चैनल गाइज, आप लोग देख रहे हो मुसाफिर की एक और नई वीडियो। सो हम लोग जो है अपने सबसे पहले मॉड के लिए जो है आ चुके हैं, और आप लोगों को पता है जब भी हम लोग सबसे पहली गाड़ी लेते हैं तो सबसे पहली वर्किंग हम जो है इसके गाड़ी के सीट कवरों की कराते हैं। बिल्कुल भाई, ठीक है। तो कृष्णा थोड़ा सीट कवर का लुक चेक कर भाई एक बार पहले। ठीक है, तो भाई अभी ये गाड़ी आपको कोरे जो है फैब्रिक के अंदर में मिल जाती है ऐसे करके। ठीक है, ये बिल्कुल कोरा फैब्रिक है। इसमें भी यार अपने सब्सक्राइबर का थोड़ा बहुत या फिर अपने जो गाड़ी लेते हैं उनमें कन्फ्यूजन होता है, ये सीट कवर्स हैं, ये सीट कवर्स नहीं होते, ये एक तरीके से है ना फैब्रिक होता है, फैब्रिक होता है जो डल्ला अंदर होता है ना उसको ढकने के लिए कंपनी देती है। आपको मैं डिफरेंस भी दिखा दूं, इसके नीचे ना इवन अगर आप लोग फील करके देखोगे तो ये आपको डल्लप दिख रहा होगा। देखो ये रहा डल्लप, व्हाइट कलर का डल्लप होता है जो कि हम जब इसकी इंस्टॉलेशन करेंगे प्रॉपर आपको दिखाएंगे। व्हाइट येलो जैसा भी होगा, व्हाइट होगा येलो होगा जो भी कलर, वो डल्लप होता है उसको ढकने के लिए होता है। प्लस कंपनी हमें बकेट करने के लिए इसके अंदर है ना तार भी देती है, ठीक है, इसके अंदर प्रॉपर अपना बकेट हो जाए। अच्छा। तो उसमें जो भी मतलब हमारे पास कंफ्यूजन है कि भैया बकेट कराए ना कराए, तो भैया अपने को तो बकेट कराना है भाई। हम चार पांच साल से ये चीज क्लियर तो करते आ ही रहे हैं, ठीक है। प्लस हमने ये भी चीज इस वाले वीडियो में क्लियर करनी है कि हमारा कहां कंपनी ने तार दे रखी है, कहां हमारी, सब दिखाएंगे। तो ये हम लोगों का पहला ही दिन है जिस दिन हम लोग ये सिलेक्शन कर रहे हैं। तो एक अच्छे सीट कवर को बनवाने के लिए एक अच्छी दुकान चाहिए जो हमारे कृष्णा कार श्रृंगार में आप लोग आके जो है पा सकते हैं। दूसरी चीज, आप लोगों के पास कपड़े की क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है भाई। तो कृष्णा ने मेरे को दो तीन चीजों का ऑफर दिया था, क्या क्या था वो पहले बता, क्या क्या ऑफर दिया। एक मैंने आपको भैया न्यूबक दिखाया था, ठीक है, एक सोफा लेमिनेशन सोफा प्रीमियम भी दिखाया था, ठीक है, लेकिन जो आपने को समझ में आया था रॉयल टच समझ में आया, ठीक है, फुल ब्लैक में, ठीक है। ये रॉयल टच जो है कपड़ा हम लोग लगा रहे हैं। अब एक चीज सबसे पहले इम्पोर्टेंट मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा भाई, पोलो के सबसे बेसिक सीट कवर वारंटी वाले कितने रुपए के? 4500 रुपए भैया, 500 रुपए फिटिंग, 5000 हो गए विद फिटिंग, 5000 रुपए बकेट फिटिंग के साथ, बकेट फिटिंग के साथ 5000 से सीट कवर स्टार्ट हो जाते हैं। ये वाले सीट कवर कितने के? ये 8000 रुपए प्लस 500 रुपए फिटिंग, 8500 के ये वाले सीट कवर है। मैं भी बेसिक सीट कवर ही इंस्टॉल करवा रहा हूँ क्योंकि भाई इसका बेसिक तरीके से यूज होना चाहिए। ये कोई भी प्योर लेदर नहीं है, प्योर लेदर बहुत महंगा आता है, ये पीयू बोल सकते हो, ये लेदराइट बोल सकते हो, ठीक है भाई। तो ये वो चीज लगाइए, आप बोलोगे भैया पीठ पे पसीना आएगा, भाई मैं तो इतने सालों से यूज कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत तो गर्मी में हर जगह पसीना आता है लेकिन मटेरियल में थोड़ा कम होता है, और एसी जो है भाई वो इसीलिए लगे होते हैं गाड़ी में कि आपको पसीने जो है कम आए। यहाँ पर हमारी टीम है जो पूरी वर्किंग करेगी। आज मैं आप लोगों को छोटा छोटा ग्लिम्स भी दिखा दूंगा थोड़ा, क्योंकि अब भाई ये शुरू कर दो, अब सारे काम साइड कर दो, पहले अपना सीट कवर तैयार होगा और उसके बाद सारी वर्किंग होगी। अभी भैया को मैं नीचे भी लेके जाऊंगा, भैया जो है पूरा एक बार सीट कवर का लुक भी देख लेंगे कैसा क्या है, और उसके बाद फिर आपको और बताएंगे। बाकी कलेक्शन वाइज अगर आप बात करते हो, ये देखो भाई ऐसा जो है आप लोगों के सीट कवर तैयार होते हैं, अगेन क्वालिटी टू क्वालिटी। 700 का, ठीक है, ओरिजिनल पैटर्न जो उसमें आता है ना लाइट कलर में, ठीक है, जो 17 लग्जरी में आता है जो अपनी गाड़ी है, हाँ, तो उसी के पैटर्न पे बनाया हुआ लेकिन डार्क कलर में, ठीक है भाई। तो ये आपकी चॉइस, जैसे भी मतलब कस्टमाइज आपको कराना है सारे कस्टमाइजेशन हो जाए, ठीक है। मैं तो पोलो के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, अगर आपके पास स्विफ्ट है, ग्रैंड आइटन है, या कोई सी भी गाड़ी है, क्रेटा है, कोई सी बड़ी गाड़ी है, तो आपके लिए सब चीजें यहाँ पर अवेलेबल है। हर तरीके का सीट कवर, हर तरीके की चीज आप लोगों के लिए अवेलेबल है। अब चलते हैं हम थोड़ा नीचे की तरफ में और फिर आपसे और बातचीत करते हैं। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है, अगर आप लोग सीट कस्टमाइज कराना चाहते हैं तो आप लोगों को सबसे पहले ये देखना होता है कि आपकी गाड़ी में क्या क्या चीजों का कॉम्बिनेशन जो है बनता है। अगर आप चाहो तो ब्लैक और सिल्वर बना सकते हो, ब्लैक और पूरा सिल्वर का मिक्सिंग हो सकता है, फुल ब्लैक भी बना सकते हो, लेकिन भैया हम क्या बनाएंगे बताओ, ब्लैक में रेड की स्टिचिंग करेंगे। रेड की स्टिचिंग कहाँ आएगी एक बार लोगों को बताना। आपकी जो ये सिलाई आएगी ये सिंगल सिलाई आएगी, इस पर डबल सिलाई आएगी, इस पर डबल सिलाई आएगी, और इधर कहीं पर, हाँ जी, इस पर भी सिंगल आएगी और इस लाइन पर डबल सिलाई आएगी। अच्छा ठीक है, ये एक डिजाइन जो है आपने हमें बताया और ओरिजिनल डिजाइन में बन जाएगा, ओरिजिनल डिजाइन, ठीक है भाई। तो अगर आप लोग बनवाने का सोच रहे हो तो आप लोग भी ऐसे ही बनवा सकते हो। जो आर्मरेस्ट है इसमें हम कपड़ा नहीं चढ़ाएंगे क्योंकि मेरे को लगता नहीं इसमें कपड़ा चढ़ाने का फायदा है, कोई फायदा है कपड़ा चढ़ाने के लिए आए, लग सकता है चढ़ तो सकता है, लेकिन मेरे को क्या है ना थोड़ा सा वो उसकी ज्यादा खुशबू आती है फेविकॉल की, तो मैं थोड़ी खुशबू से बचने के लिए मेरा ये चीज है कि मैं ज्यादा खुशबू सूख रहा, ठीक है भाई। तो मैं आप लोगों को जैसे वर्किंग होगी वैसे आप लोगों को समझाऊंगा। यहाँ से हम लोगों का डिजाइनिंग जो है डन हो गया, रियर में भी आप लोगों को एक बार भैया को दिखा देते हैं हम लोग कैसा लुक है, ठीक है भाई। इस पर भी आपकी सिंगल सिलाई आएगी, इस बॉर्डर पर डबल सिलाई आएगी, ठीक है, और इसके गत्तों में तो कुछ होता ही नहीं है, तो ना ही मैं गत्ते खुलवा रहा हूँ ना कुछ करवा रहा हूँ, ठीक है। तो भैया डन हो गया, एक बार थम्स अप करो ऐसे करके। लोगों ने भैया को देख लिया, वो भैया चेक करके चले गए, हमारे जो मेन हेड है जो वर्किंग कर रहे हैं, तो अभी क्या है ऊपर वो कटिंग भी शुरू कर दी होगी उन्होंने, बिल्कुल भाई यहाँ से हम दिखा सकते हैं थोड़ा सा अगर जूम हो जाए तो, ठीक है। नहीं अभी चलते हैं ना ऊपर, चल के दिखा देंगे ना भाई कटिंग कैसे क्या चल रही है। और मैंने बोला कि मुझे हेड रेस्ट जो है थोड़ा चेन वाला चाहिए, थोड़ी प्राइसिंग बढ़ जाएगी उसके लिए,
प्राइसिंग भैया ऐसे सच नहीं बढ़ती है, अगर हमारे पास फर्म हाउस गाड़ी का अवेलेबल है ठीक है वाले के लिए ठीक है, तो हम उसके लिए कोई कॉस्ट नहीं लेते हैं। तो मेरा चेन वाला बनाओ। बिल्कुल भाई ठीक है, तो चलो एक बार ऊपर चलते हैं आपको वर्किंग दिखाते हैं। इस प्रोसेस यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं, इसमें बेसिकली हमारा जो पूरा का पूरा कपड़ा था वो बिछा दिया गया है। और ये क्या चीज है भैया जो टुकड़े पड़े? ये फर्मा है, पोलो का। ये पोलो का फर्मा है? हाँ जी, इसी से हम लोग काटते हैं साइड। ठीक है भाई, फर्मा का मतलब ये होता है साइड में क्या लगेगा, पीछे क्या लगेगा, आगे क्या लगेगा। जो एक्यूरेसी भी है, जो बकेट फिटिंग में चाहिए होती है ना, इसकी वजह से ही आ पाती है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि अगर जैसे ये है ये वाला पार्ट ठीक है, ये आपके सीट का ही पार्ट है ठीक है, ये उसके मेजरमेंट से कट रहा है प्रॉपर। ठीक है भाई, ये जरूरी चीज है, आप लोगों को पता भी होनी चाहिए। और ये वर्किंग जैसे जैसे चलती रहती है। अब मैं आप लोगों को जो है सीधे इसकी वर्किंग जब खत्म हो जाती है उसके बाद चेकआउट कराता हूँ। यहाँ पर मेरे भाई अभी दूसरे सीट कवर बना रहे हैं, लेकिन फिर हमारी उसमें स्पीड में काम हो जाएगा। ठीक है, सो गाइस आज का जो श्री गणेश है वो भैया ने कर दिया है। यहाँ पर बकेट फिट फिनिश वाले जो सीट कवर होते हैं उसकी वर्किंग जो है हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर आ गए हमारे सीट कवर्स। ठीक है भाई, तो आप लोगों को जैसा आप लोगों ने सेल्टोस में देखा, थार में देखा, सेम डिजाइन जो है हम लोग इसमें फॉलो कर रहे हैं, जिससे सब गाड़ियों का जो इंटीरियर है वो सेम रहे। बिल्कुल भाई। ठीक है भाई, तो यहाँ पर बकेट फिट में जो स्टिक निकाल के दिखाते हैं कि कहाँ से क्या स्टिक निकलती है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सो गाइस, नेक्स्ट प्रोसेस जो हम लोगों का स्टार्ट हो रहा है वो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। ये हमारा डनलप होता है। ठीक है, डनलप के अंदर से क्या निकलता है? अंदर से भी है, ये रॉड निकलती है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बकेट की तार होती है। कुछ कुछ जैसे पुरानी गाड़ियाँ आती है उसमें नहीं होता तो हम डाल देते हैं। यूजुअली कंपनी की जो नई गाड़ी आ रही है सब में एमआर को रॉड मिलती है बकेट करने के लिए। ठीक है, तो भाई जो लोग बोलते हैं ना कि बकेट फिट में होता क्या है, तो कंपनी से जो आप लोगों को मिलता है ये केवल एक नॉर्मल फैब्रिक होता है, इसके नीचे ये डनलप दिया जाता है जो हम बता रहे थे स्टार्टिंग में व्हाइट कलर का। ठीक है, ये डनलप को ढकने के लिए कंपनी देती है। 3 mm या 4 mm का एक कपड़ा होता है सिर्फ। ठीक है, सीट कवर्स नहीं होता। अब जो मैंने डनलप है वो इसमें भी लगवाया है, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। जो कॉस्टिंग है थोड़ी ऊपर नीचे जाती है, वो अपने अकॉर्डिंग आप लोग बनवा लेना जैसे आप लोगों को बनवाना हो। लेकिन ये स्टिक यहाँ पर निकाल रहे हैं, कई सारे लोग बोलते हैं इसके बाद सीट कवर खराब हो जाते हैं। भाई सीट कवर कुछ भी खराब नहीं होते, इसको बकेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये पूरा सेट होके, जो कहते हैं ना पूरा बराबर 0-0 होके आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, तो आई होप आप लोगों को आइडिया जो है इसके बारे में समझ आ गया होगा। भैया जो निकाल रहे हैं अभी, इन्हीं का यूज जो है वापसी भी किया जाता है, उसको डालेंगे भी। ठीक है भाई, तो आप लोग जैसे ये वाला इसका सीट है, ठीक है, इसमें जगह दे रखी होती है बकेट की रॉड डालने के लिए, ये रॉड डल के फिर उसको क्लैम कर देते हैं, तो जिससे उसका जो स्टेबिलिटी है वो स्ट्रेट रहे। हाँ, बिल्कुल स्ट्रेट रहे और वो फिटिंग बैठेगी प्रॉपर ना। वेरी गुड। गाइस जो अगली चीज जो अभी ये कट मार रहे हैं, देखो यहाँ पर कट मार रहे हैं ना, अभी इसके अंदर क्या डालते हैं देखो, ये जो रॉड इससे निकली ये इसके अंदर चलेगी। और यहाँ से ये रॉड इसमें चलेगी। अब आप लोगों को इजी शब्दों में समझ आ गया होगा कि जो रॉड आप लोगों की ओरिजिनल से उतरती है वो आपकी इसके अंदर लग जाती है, जिससे ये स्टेबल रहे। ठीक है, इसकी पोजीशन जो है वो अपनी जगह बने रहे। ठीक है भाई, यही चीज़ें समझानी थी भाई, पहले भी हमने काफ़ी दिखाया हुआ है लेकिन वही है कि अब स्टार्टिंग से हमने हम अपनी ये पहली वीडियो भाई पहली वीडियो है जो प्रोजेक्ट कार में हमने मतलब स्टार्टिंग से सारा दिखाया, प्रोसेस एंड तक पूरा दिखाएंगे कैसे कैसे लग रहे हैं सीट कवर्स इसके। अगला प्रोसेस जो स्टार्ट चल रहा है हमारा यहाँ पर, वो हम लोग अपनी मेन सीट्स को जो है बाहर उतार रहे हैं। और मीनवाइल जो है भैया ने यहाँ पर प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है सीट कवर लगने का। और ये है मिस्टर मोनू, सही है भाई? ठीक है भाई, अभी आप लोगों को फिनिशिंग दिखाएंगे कैसे आप लोगों को क्या लुक देखने को मिलता है। और कपड़े की चॉइस मैंने आप लोगों को बहुत सारी दिखाई थी, क्या चीज़ आप लोग अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। अगर ये सीट कवर आप लगवाने आ रहे हो, कितने पैसे स्पेंड करने होते हैं, कितने क्या लगाने होते हैं, वीडियो की स्टार्टिंग में बताया और एंड में भी आप लोगों को बताऊंगा। सो गाइस, रियर से मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूँ कैसे क्या लगाया जाता है। अभी भैया यहाँ पर जो है इन सीट कवर्स को टाइट कर रहे हैं। अब टाइट करने के लिए इसमें जैसे वो आप लोगों को खोलते हुए पहले दिखे थे ना, यही सेम चीज ये वापसी लगाते हैं। इसमें क्या बोलते हैं भैया इनको? कांटा बोलते हैं, कांटा तार, क्लिप कह लो, जैसे आप लोग समझ सको। अब इसका फ्रंट लुक भी आप लोगों को दिखाऊंगा कैसा निकल के आता है। ठीक है, ये पीस हमने आपको पूरा दिखाया था। अब इसको टाइट करने के लिए ये इतने सारे क्लैंप जो इसमें लगा रहे हैं, इसमें कोई वारंटी वॉइड नहीं होती। कई सारे लोग कहते हैं भैया इससे वारंटी तो नहीं वॉइड होगी, इससे कुछ नहीं होता। एक बार दिखाना, इसका लुक दिखाओ उस तरफ से एक बार। ठीक है, तो फिलहाल के लिए अभी ऐसा लुक है, थोड़ा मिट्टी विट्टी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन अब ये बढ़िया तरीके का पूरा रिस्पॉन्स वाइज हो चुका है। ये हमारी जो है को पैसेंजर साइड और पैसेंजर साइड वाली जो पूरा है वो चीज़ आ चुका है। ठीक है, तो आप लोगों को जो है रिस्पॉन्स समझ आ रहा है। तो गाइस नेक्स्ट चीज जो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ वो ये दिखाता हूँ कि यहाँ पर हम लोग एक क्रेटा भी यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। अब इसमें सीट कवर लग गया है?
ठीक है, ये आप लोगों का पैटर्न पे बन रहा है ना सीट कवर। ठीक है, ये ओरिजिनल पैटर्न का आप लोगों का सीट कवर है जो कि हम क्रेटा तैयार कर रहे हैं। जो भी थोड़ी मिट्टी लगी है वो साफ हो जाएगी। ये हमारा जो है एक बुलबुल का बच्चा तैयार हो गया। बिल्कुल भाई, ठीक है। अब ओरिजिनल कारपेट जो आप लोगों को हम रियर से दिखाते हैं, तो भाई सबकी गाड़ी में लगा रहे तो अपनी गाड़ी में क्यों नहीं लगवाएंगे? सबकी गाड़ी अपनी गाड़ी में तो लगा ही रहे हैं, ये हमने उल्टा बोल दिया, सबकी गाड़ी में ही लगता है ये। अबे मैं उल्टा बोल रहा हूँ, हम तो सबकी गाड़ी में लगाते हैं तो अपनी गाड़ी में क्यों नहीं लगाएंगे? बिल्कुल, और हमारे हर किसी की गाड़ी में चाहे 5,000 वाला सीट कवर लगे या 10,500 वाला लगे या सोफा प्रीमियम लगे, तो भाई कारपेट लगना ही, कारपेट लगना है। हमारी ये पूरी टीम है आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। ये आप लोगों को ऑफिशियल कृष्णा कार श्रृंगार में जो है पूरी वर्किंग करती हुई देखने को मिल जाएगी। करीबन कितने साल हो गए भाई मेरे को ये सीट कवर वाली चीजें कराते हुए? अपने को हो गया 4 साल हो गए, दिसंबर को हो जाएगा 4 साल। ठीक है भाई, भाई ने बिल्कुल लिख के रखा हुआ। देखो पूरी टीम है हमारी और बहुत मतलब जबरदस्त काम करती है कि आप लोगों को एक नंबर का मजा आ जाएगा। और सीट कवर का डिजाइन से लेके कपड़ा जो है उसमें हमने काफी वर्किंग करी है। ठीक है भाई, धीरे धीरे इम्प्रूव करने का ही सोच रहे हैं, ये नहीं बोल सकता हूँ बेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन इम्प्रूव कर रहा हूँ डे बाई डे। आप सजेशन भी मिलते हैं कि भैया सीट कवर में ये कमी है, धीरे धीरे सुधार भी रहे हैं उसको। और ये डिजाइन अब आप लोग ऑफिशियली ले सकते हो। इस डिजाइन का नाम क्या रख रहे हैं भाई? इसका डिजाइन रहेगा अभी मुसाफिर 4। मुसाफिर 4 3 तक आ चुके हैं। हाँ, 3 मुसाफिर 1 था अपना जो स्विफ्ट में लगा था। ठीक है, मुसाफिर 2 जो हमने i20 में लगाया था। ठीक है, मुसाफिर 3 जो हमने सेल्टोस में लगाया। ये मुसाफिर 4 डिजाइन है और इसको ओरिजिनल पैटर्न भी बोल सकते हैं। ठीक है, आप थार वाले को भी देख सकते हो, लेकिन थार वाले में अलग अलग लोग पैटर्न लगवाते हैं। वो थार में मेन हमने सीटें भी आगे बढ़ाई थी ना, तो वो तो अलग कॉन्सेप्ट था, तो इसलिए उसमें हमने डिजाइन का नाम नहीं दिया। चलो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो गाइस शो टाइम का वक्त हो चुका है, हम लोग हैं अभी कृष्णा कार श्रृंगार में। ठीक है भाई, तो सुबह हम लोगों ने वर्किंग स्टार्ट कर दी थी अपनी, जल्दी वर्किंग स्टार्ट करी थी, मैंने ऑर्डर दे दिया था। प्लान क्या था कि हम कल सीट कवर लगवाएंगे, क्योंकि मेरे को थोड़ा काम था। फिर आज मेरे को कृष्णा ने बोला थोड़ा वर्कलोड आज कम है, आज 4-5 गाड़ियाँ आई हमारे पास, तो इसने बोला भैया आप आज ही निपटा लो। ठीक है, तो सीट कवर बनने से सब कुछ करने तक सुबह करीबन कितने बजे आ गया था? 10-11 बजे आए थे, हमने कपड़ा दे दिया था 11:30 के आसपास। ठीक है, और सीट कवर बन के आ गया था हमारे पास 2 बजे तक, 2:30 तक आ गया था। ठीक है, 3 बजे से लगना चालू हुआ था। ठीक है भाई, तो ऑफिशियली कृष्णा कार श्रृंगार में जैसा मैं आप लोगों को बोलता हूँ होता तो सब कुछ है, लेकिन हमारे सीट कवर डलेंगे तो पहले डलेंगे इन्हीं से। ठीक है भाई, पहली गाड़ी के भी इन्हीं से डले थे और इस गाड़ी के भी इसी में डलेंगे और आगे आने वाली गाड़ियों में भी इसी में डलेंगे। ठीक है, तो भाई इन लोगों ने जो सीट कवर हमें बना के दिए है वो आप लोग देख सकते हो। ये कपड़ा कौन सा है भाई कृष्णा फिर बता? रॉयल टच है भैया अपना, रॉयल टच है। ठीक है, रॉयल टच नाम ही है भैया, रॉयल लुक देख सकते हो इसका आप, कंफर्टेबल भी बहुत है भाई। कुशनिंग जो इन्होंने करके दी है ना भाई, एक नंबर की कुशनिंग है। और ये सीट कवर मात्र 5,000 रुपए से स्टार्ट हो रहे हैं। हाँ, 5,000 से स्टार्ट है, सेम डिजाइन आप बोलोगे भैया 5,000 वाले में तो उसमें भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, थोड़ा फोमिंग वोमिंग का मैं इनको एक्स्ट्रा दूंगा, क्योंकि मेरे को ये सीट कवर पड़े है करीबन 8,700 के। 200 रुपए फालतू लगा है वो एक्स्ट्रा फोमिंग का वो कुछ। ठीक है भाई, 8,700 मैंने इस पे पे किया है, बाकी तुम अपने अकॉर्डिंग देख लेना तुम्हें क्या लगता है, लेकिन भाई जो लुक है वो बिल्कुल बढ़िया हो गया। चीज देखनी पड़ेगी ना, जो ओरिजिनल पैटर्न के बावजूद इसके अंदर कहीं भी रिंकल नहीं मिलेगा आपको देखने। बहुत बढ़िया भाई, वो चीज है। इस चीज को अगर रिंकल कहते हो तो गलत है, क्योंकि ये फोमिंग इतनी मोटी लगी है। ठीक है, तो कपड़ा यहाँ पर फोल्ड ये हो जाएगा, थोड़े टाइम बाद सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं गाड़ी के रियर की तरफ में। ठीक है भाई, तो गाड़ी के रियर की तरफ में आप लोगों को पहले तो मैं इधर दिखाता हूँ भाई, फोमिंग के बाद जो कुशन बना है भाई, मैंने आप लोगों को वैसे दिखा दिया था रियर में, तो हमने चेक करा दिया था। बिल्कुल, हमने चेक जो करा दिया था, कारपेट ओरिजिनल लगाया वो तो हमने दिखा दिया था। बिल्कुल ठीक है भाई, और भाई साहब स्पेशल चीज क्या कराई है, चेन वाले मैंने लगवाए हैं, जिससे मैं कभी भी रिमूव करना चाहूँ कर सकता हूँ। बिल्कुल, धुलवाया तो नहीं सकता, लेकिन हाँ अगर कभी साफ करना चाहो तो करा लो, कराना हो तो आराम से चेन से निकल के हो जाएगा। ठीक है भाई, कैसा लग रहा है? कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, जरूर मेरे को बताइएगा। कृष्णा अब मैं जो हूँ एक फीडबैक भी ले लेता हूँ, हमारे एक भैया और जुड़े हैं ना हमारे साथ जो अपनी वैगनार यहाँ पर करवा रहे हैं, तो वैगनार भी यहाँ पर जो है ये लोग फुल वर्किंग कर रहे हैं। इस गाड़ी में भी पूरा ऑडियो की वर्किंग चल रही है और साथ ही साथ में एक क्रेटा भी हमारे पास है आज, जिसकी हम लोग वर्किंग कर रहे हैं। तो भैया लोग जिनकी क्रेटा है एक बार उनसे पूछते हैं, भैया कैसा काम हो रहा है? भैया भाई काम बढ़िया हो रहा है, काम सही हो रहा है, मतलब सीट कवर ऐसा तो नहीं बढ़िया लग रहा है, ओरिजिनल वाला लुक आ रहा है, देख लो भैया लोगों का भी एक बार आप लोग चेकआउट करो यहाँ पर। ठीक है भाई, पूरा अंकल ओरिजिनल, उसमें ओरिजिनल पैटर्न है, इसमें फर्क भी नहीं बता सकते, अगर कोई बिल्कुल नई डाई से ध्यान से देखेगा तब समझ में आएगा कि नीचे सीट कवर लग गया है, तो सेम हमने ओरिजिनल पैटर्न बनाया है इसको। वेरी नाइस, तो एक हमारे पास जो वैगनार की वर्किंग हो रही है यहाँ पर, वैसे ये कर तो सोनेट भी रहे हैं यहाँ पर, और एक हमारे पास टियागो गाड़ी भी है, लेकिन भैया भी है नहीं आएगा, जिनकी वो गाड़ी है वो नहीं है। सो गाइस थोड़ा सा प्राइवेसी रीजन की वजह से हम भैया को आपको नहीं दिखा पाएंगे जिनकी वैगनार है, लेकिन उनका यही कहना था कि जो वर्किंग हो रही है उन्होंने कहीं और भी वर्किंग कराई लेकिन उनको मजा नहीं आया, तो अब जो है वो हमारे पास वर्किंग कराने आए हैं। हमारे यहाँ पर हमारे भैया भी होते हैं जो आपको पूरी मदद करेंगे, सब कुछ आपको असिस्टेंस देंगे। सूरज भैया अभी नए प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो और सीट कवर्स और प्रोडक्ट्स आप लोग लेके आ रहे हैं। बाकी रेंज वाइज अगर आप लोग बात करते हो, इनके पास हर चीज यहाँ पर अवेलेबल हो रही है। और भैया
हमारे पास अभी MGP की बलिनो का या फिर किसी भी आइटम है, एक से सारी की सारी आइटम हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, साइड मिरर से लेके छोटी से मोटी चीज, आपको ट्विटर सैश भी चाहिए तो MGP का हमारे पास सारा आपको अवेलेबल मिलेगा। ठीक है, तो मेरे को सीट कवर जरा बताइए कौन सा वाला हमारा लगा, मैंने ऐसे दिखाया नहीं। ये रॉयल टच लगा अभी अपना। ठीक है, ये रॉयल टच वाला लगा। और वैसे चॉइस वाइज क्या क्या है? ये इम्पोर्टेड नाप है जो मैंने। ठीक है, अब इसमें भी मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें भी ग्रेन्स आते हैं। मैंने जो है थोड़ा शाइनी वाला लगाया, शाइनी वाला, तो इसमें भाई ग्रेन्स आते हैं बहुत अलग अलग तरीके के। अब देखोगे इस कपड़े में आप लोगों को अलग ग्रेन देखने को मिलेगा, इसमें ग्रेन अलग देखने को मिलेगा, इसमें ग्रेन अलग। ग्रेन का मतलब होता है खुरदुरा पर। ये इंपोर्टेड की पहचान है क्योंकि इंडियन जो कपड़ा होता है ना, वो इंडियन फैक्ट्री में सारे कलर एक जैसे बनते हैं। करेक्ट, इंपोर्टेड में क्या होता है भैया, बाहर से रोल आते हैं। ठीक है, तो सारा उनका अलग होता है, इनका ऊपर का जो टेक्सचर होता है सारा सबका अलग होता है। ठीक है भाई, तो मैं प्राउडली आप लोगों को प्रेजेंट करता हूं अपनी फोक्सवैगन पोलो, जिसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहला जो मॉड कराया, ये श्री गणेश मैंने कृष्णाकार श्रृंगार से ही करना था और श्री गणेश मैंने यहीं से किया। इसकी मॉडिफिकेशन जो है यहीं से स्टार्ट होती है। ऑफिशियली आज से मैं आप लोगों को बता रहा हूं इस गाड़ी के ऊपर काम स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहला काम हम लोगों ने बकेट फिट सीट कवर्स डाले हैं। किसी किसी के लिए बहुत छोटी सी चीज होगी लेकिन मुसाफिर के लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि मेरे को अपनी सीटें अच्छी रखनी होती है। बिल्कुल, प्लस भी आप फीडबैक के लिए कमेंट्स खुले हैं, कोई दिक्कत प्लीज आप बताइएगा, फीडबैक बताइएगा, उसके लिए ऑलवेज वेलकम है। Correct. कोई कमी है हम उसको सुधारेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं कह सकते ये बेस्ट काम है, जैसा बनते टाइम भी मैंने बोला था कि हमारा बेस्ट नहीं है, इससे बेस्ट करने की कोशिश करते हैं हर बारी। वेरी नाइस, तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज के वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। कृष्णाकार श्रृंगार जो कि करौल बाग के अंदर आपका स्टोर सिचुएटेड है, होटल आनंद के पास जो है आप लोगों को स्टोर मिलेगा, वहां पर आप आ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट, नंबर जो है वो भाई के, जो भाई ने ऐसे करके बोला तो फ्लैश हो रहे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में एड्रेस और वो चीजें मिल जाएगी। व्हाट्सएप लोकेशन भी मैं आप लोगों को नीचे अवेलेबल करा रहा हूँ, एवरीथिंग इज अवेलेबल, आओ काम कराओ। कई सारे लोग बोलते हैं भैया ये काम तो और भी बंदे कर रहे हैं, लेकिन भाई क्वालिटी एंड इफ यू ट्रस्ट मुसाफिर, राइट प्लेस आप लोगों को पता चल चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।